नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा जायसवाल और मेरे चैनल नेहा टिप्स एंड स्टोरीज पर आपका स्वागत है। बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई बहुत ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। नंबर एक, काले हाथ पैरों पर नींबू का रस मलाई में मिलाकर रोजाना लगाने से सांवली त्वचा भी धीरे धीरे गोरी होने लगती है। नंबर दो, अगर आपके होठ काले पड़ जाएं तो रात को सोने से पहले दही की मलाई अपने होठों पर लगाएं, इससे आपके होठ लाल और मुलायम हो जाएंगे। नंबर तीन, जिन औरतों के प्रेगनेंसी के बाद पेट पर दाग पड़ जाते हैं, वह पालक का रस निकालकर दाग पर लगाएं, इससे दाग धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। नंबर चार, काली मिर्च पानी के साथ खाने से इंसान हमेशा जवान रहता है। नंबर पाँच, रोजाना रात को सोते समय नाभि में बादाम का तेल लगाने से दिमाग तेज होता है और चेहरे पर चमक आती है। नंबर छः, यदि आप आलू का उबला हुआ पानी बालों में लगाते हैं तो इससे बाल सफेद नहीं होंगे। नंबर सात, हमेशा खाना खाने के बाद सौंफ या गुड़ का सेवन जरूर करें, क्योंकि इससे पाचन क्रिया अच्छी होती है और हमारा खाना जल्दी हजम भी हो जाता है। नंबर आठ, चेहरा धोने के लिए दिन में एक बार सादे पानी की जगह चावल के पानी का इस्तेमाल करें, इससे रंग तेजी से गोरा होता है। नंबर नौ, चीनी और ग्लिसरीन को मिलाकर नाक पर रगड़ने से नाक के ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स निकल जाते हैं। नंबर दस, बेकिंग सोडा को गुलाब जल में घोलकर लगाने से डेड स्किन निकल जाती है और रंग गोरा होता है। नंबर ग्यारह, तीन सफ़ेद चीज, मैदा, चीनी और सफ़ेद नमक, इन तीनों चीज़ों को अपनी डाइट में कम से कम सेवन करें। नंबर बारह, शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए अंकुरित चने में नींबू, अदरक के टुकड़े, प्याज, खीरा, हल्का नमक और काली मिर्च डालकर सुबह नाश्ते में खाएं, इससे आपको पूरे दिन की एनर्जी मिलेगी। नंबर तेरह, तेज बुखार आने पर ठंडे पानी का कपड़ा सिर पर रखने से बुखार सिर पर नहीं चढ़ता है। नंबर चौदह, घुटने में दर्द है तो अखरोट की गिरी खाएं, इससे फायदा मिलेगा। नंबर पंद्रह, अगर आपको अच्छी नींद लेने के बाद भी शरीर थका हुआ महसूस होता है तो आपके शरीर के अंदर पानी की कमी है, इसलिए जब भी सोकर उठे एक से दो ग्लास गुनगुना पानी जरूर पिए। नंबर सोलह, ज्यादा थूक बाहर निकालने से हमारा दिमाग कमजोर होने लगता है और शरीर में पानी की कमी आ जाती है और खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता है। नंबर सत्रह, ठंड के मौसम में मूंगफली का नियमित सेवन खांसी में राहत दिलाता है। मूंगफली शरीर में गर्माहट लाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और इससे दिल भी स्वस्थ बना रहता है। नंबर अठारह, टमाटर को आधा काट के उसमें थोड़ी सी कॉफी पाउडर डाल के चेहरे पर हल्के हाथों से एक से दो मिनट मसाज करने से चेहरा खिल उठता है। नंबर 19, गुड़ के सेवन से शुगर की दिक्कत नहीं होती है। नंबर 20, जो इंसान सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं उनके स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है और धीरे धीरे उनके अंदर कई बीमारियां भी पनपने लगती हैं, इसलिए सुबह नाश्ता जरूर करना चाहिए। नंबर 21, बीमारियों की रामबाण दवा है तुरई, वजन को कम करने में सहायक, त्वचा संबंधी रोगों में लाभकारी, आंखों की रोशनी बढ़ाए, लीवर के लिए गुणकारी, बालों को काला करने में मददगार और पेट के कीड़ों को भी दूर करने में लाभकारी होती है। नंबर 22, पेट की सभी समस्याओं के लिए तांबे का पानी बेहद फायदेमंद होता है। प्रतिदिन रात भर तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी सुबह खाली पेट पीने से पेट दर्द, गैस और कब्ज जैसी समस्या खत्म हो जाती है। नंबर 23, दो से तीन लौंग पानी में उबालकर पीने से सिर चकराना और जी मचलाने जैसी समस्या दूर होती है। नंबर 24, एक रिसर्च में पाया गया है कि भुना हुआ लहसुन आपके लिए शिलाजीत का काम करता है। दरअसल इसमें एलिसिन होता है, जिससे आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी नहीं होती है। नंबर 25, अगर पीरियड्स के दौरान आपको तेज दर्द होता है या फिर पेट में अकड़न आ जाती है तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप शारीरिक कार्य करने से बचें, वरना आपके शरीर का यह दर्द और अधिक बढ़ सकता है। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। नंबर 26,
दुबले पतले लोग अगर खजूर के साथ भुने हुए चने का सेवन करते हैं तो उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और कमजोरी भी दूर होने लगती है। नंबर 27, सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से वजन कम होता है, इसका असर आपको 10 से 15 दिन में ही दिखने लगेगा। नंबर 28, अनार का जूस हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करता है। नंबर 29, रोजाना अनार का जूस पीने से दिल स्वस्थ रहता है और खून की कमी भी नहीं होती है। नंबर 30, आप गुड़ के चावल का सेवन करते हैं तो इससे खांसी और गले में खराश जैसी दिक्कत नहीं होगी। नंबर 31, मुल्तानी मिट्टी, नींबू का रस और गुलाब जल को मिलाकर एक पैक तैयार कर लें, फिर इसे रोज अपने चेहरे पर सूखने तक लगाएं। ऐसा करने से चेहरे के सभी गड्ढे ठीक हो जाएंगे। नंबर 32, पिचके हुए गाल भरने के लिए रात की बासी रोटी को सुबह एक पाव दूध के साथ खाएं। ऐसा करने से गाल भरने लगेंगे। नंबर 33, बासी रोटियां खाने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। रोजाना सुबह ठंडे दूध के साथ बासी रोटियां खाना फायदेमंद माना जाता है। नंबर 34, रोजाना एक रसगुल्ला या छेना खाने से आंखों में होने वाली जलन और पीलापन जैसी समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है और आंखें भी स्वस्थ रहती हैं। नंबर 35, सुबह के समय 3 से 4 पत्तियां नीम की चबाने से फोड़े फुंसी और चेहरे पर दाग धब्बे जैसी समस्या ठीक हो जाती है। नंबर 36, सुबह के समय ज़्यादा चटपटी चीज खाने से बचना चाहिए, वरना आपको कई बीमारी होने का खतरा रहता है। नंबर 37, मेथी के दानों को पानी में उबालकर सेवन करने से सफ़ेद पानी की समस्या दूर हो जाती है। इसके लिए आप मेथी के दानों को 500 मिलीलीटर पानी में तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा ना हो जाए, फिर इस पानी को पी लें। नंबर 38, चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए दही में टमाटर के रस को मिला लें, फिर 10 मिनट के लिए चेहरे पर लगा लें, उसके बाद ठंडे पानी से धो लें। रोजाना लगाने से 10 से 15 दिन में ही आपको असर दिखने लगेगा। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।